हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड्रॉयड ज्ञान। फ्रेंड्स, आप सब तो ऑनलाइन क्लास कर रहे होंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लास करते समय आप जो जूम ऐप का इस्तेमाल करते हैं उसके कुछ ऐसे सेटिंग्स होते हैं जिनको आप नहीं जानते होंगे। आज मैं आप लोगों को उन्हीं सेटिंग्स को बताऊंगा और आपको अच्छे तरीके से जूम ऐप यूज करना सिखाऊंगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा और यह वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर आप आ ही गए हो या फिर गलती से भी आ गए हो तो सब्सक्राइब किए बिना तो मत जाना, क्योंकि हमारे चैनल में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाए जाते हैं। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैं अपने जूम ऐप में फ़ोटो कैसे लगाया जाता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं उस वीडियो को। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं अपना जूम ऐप को ओपन कर लेता हूँ। जूम ऐप को ओपन कर लेने के बाद में आपको तो सबसे पहले साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने का आप देख रहे हैं मेरा फ्रंट इस टाइप का हो गया। उसका बाद ही आपको जो चीज़ करना है वो चीज़ करना है, आपको सिंपली से इसमें साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन कैसे किया जाता है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो उस वीडियो को, एक वीडियो में बनाया हुआ हूँ। सिंपली से आपको यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसमें जाइए। इसमें से आपको सबसे मैं बताऊँगा, तो सिंपली से मैं इस पर चला जाता हूँ। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक देखने को मिल रहा होगा मीटिंग, इस पर आपको सिंपली से टैप करना है, ताकि जितने भी सेटिंग्स हैं सभी इसी में आपको मौजूद मिलेंगे। इसके बाद फिर आपको जो ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऑलवेज म्यूट माई माइक्रोफोन, अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो आपको क्या होता है, अगर आप जैसे कि मीटिंग कर रहे हो या फिर क्लास कर रहे हो तो फिर आपको जो ऑडियो ऑन और ऑफ करने का जो ऑप्शन आता है वो ऑटोमेटिकली ऑलवेज म्यूट रहेगा कभी। और उसके बाद फिर आपका आता है टर्न ऑफ माई वीडियो, आप यहाँ पे ऑलवेज हमेशा के लिए आपका वीडियो बंद रहना रखना है, तो आप इसे चाहे तो इसे ऑन कर सकते हैं अगर आपको अपना वीडियो बंद रखना है तो। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है एक मिरर माय वीडियो, अगर आप इसे ऑन कर देते हो तो आप देखते होंगे क्लास करते समय या फिर मीटिंग करते समय आपका वीडियो कोने में एक जैसा नीचे में छोटा सा दिखाया जाता है, तो उसी से आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेकिन उसका एक और भी, उसके बाद फिर आपको नीचे में यहाँ पर एक देखने को मिल रहा होगा ऑलवेज शो वीडियो प्रीव्यू, मतलब आपको जो नीचे में दिखाया जाता है वो दिखाया जाएगा, लेकिन जो ऊपर वाला है ऑप्शन अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो फिर आपका वीडियो जो नीचे दिखाया जाता है वो वीडियो नहीं दिखाएगा। लेकिन आप अगर इसे ऑन करते हैं इसे ऑलवेज शो वीडियो प्रीव्यू, तो आपका नीचे वीडियो ऑन रहेगा, अगर इसे ऑन करते हैं तो वो बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका क्या आता है शो नन वीडियो पार्टिसिपेट, मतलब आप जब भी आप जैसे कि वीडियो में तो ज्वाइन किया यानी मीटिंग को ज्वाइन किए, उसके बाद फिर आपका ऑटोमेटिक जो वीडियो ऑन हो जाता है वो ऑटोमेटिक वीडियो ऑन नहीं होगा, वो आपका वीडियो बंद रहेगा जब आप ज्वाइनिंग करते रहेंगे तब। उसके बाद फिर आपका आता है सेकंड ऑप्शन में, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि शो नेम व्हेन पार्टिसिपेंट ज्वाइन, मतलब जब भी आपका मीटिंग में कोई भी ज्वाइन होता रहेगा या फिर कोई भी ज्वाइन हो रहा है तो उसका नाम आपको इस जगह ऊपर में यहाँ पर ऐसा करके दिखाया जाएगा, ऊपर में कौन ज्वाइन हो रहा है और कौन लेफ्ट कर रहा है। उसके बाद में आपका आता है ऑटो कॉपी लिंक इनवाइट लिंक, मतलब जैसे ही कि आपको जो कोई मीटिंग आप ज्वाइन करते हैं उसके बाद फिर उसका जो लिंक होता है जिससे आप जैसे आईडी पासवर्ड डालते हैं उसका जो लिंक होता है ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा, और जैसे ही वो कॉपी हो जाएगा उसके बाद फिर आपका लिंक ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा और मीटिंग तुरंत में ही ज्वाइन हो जाएगा अगर आप इसे ऑन करते हैं तो। उसके बाद फिर आता है ऑप्शन ओरिजिनल, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक मिनट दोस्तों। उसके बाद आपका जो आता है यहाँ पर यूज ओरिजिनल साउंड, अगर आप इसे ऑन कर देते हैं यहाँ पर, अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो क्या होता है, जैसे कि आप किसी पर आपके घर में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, हल्ला हो रहा है और आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, तो यानी आप अपना ऑडियो ऑन करके बैठे हुए हैं और आपका शोर के कारण सर को भी डिस्टर्ब हो रहा है या फिर किसी को डिस्टर्ब हो रहा है, तो वह सिर्फ आपका ऑडियो को कैच करेगा, बाकी जो नॉइज़ होते हैं उसे कैच नहीं करेगा। ओनली फॉर जो मेन ओरिजिनल साउंड होता है, जो आपका साउंड होगा उसी को कैच करेगा अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो। उसके बाद फिर आपका आता है शो माय कनेक्टिंग टाइम, अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो क्या होता है, जैसे ही आप क्लास ज्वाइन किए तो आप कितना मीटिंग ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो रहा है वो ऑटोमेटिकली या दिखाते रहेगा आपको, इस जगह पे एक टाइमिंग चलते रहेगा, टाइमर चलते रहेगा, उसमें आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप जब मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो आपको ऊपर में ही दिखाया जाएगा वो सारा चीज़, आपका टाइमिंग चलते रहेगा, आप कितना देरी क्लास कर रहे हैं, जैसे ही 40 मिनट होगा उसके बाद मीटिंग एंड हो जाता है आपको पता ही होगा, तो सारा टाइम आपको दिखाया जाएगा।
उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट आता है, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आप क्लास करना चाहते हैं तो यह जो है सेफ मोड है, यानी कि सेफ ड्राइविंग मोड। अगर आप इसे जैसे राइट राइट की तरफ यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्वीप लेफ्ट, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसको कि स्वीप लेफ्ट फॉर द ड्राइविंग मोड, मतलब अगर आप इसको अगर इस तरह से ऐसा करके खींचेंगे तो इधर इधर की ओर खींचेंगे तो इधर एक ड्राइविंग मोड का ऑप्शन आता है, आप उसमें ऑडियो खाली सुन सकते हैं और ऑडियो ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताया हूँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।